हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अफगानी सूजी हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि कम टाइम में इजीली बन जाता है। किसी भी फेस्टिवल में बहुत आसानी से आप लोग इसे बना सकते हो। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए इस सॉस पैन को मैंने गैस के ऊपर रखा है। अब इसमें मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। 3 कप पानी में 1.5 कप चीनी का यूज करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे जब तक ये चीनी डिसॉल्व हो जाए। अब इसमें मैं कुछ सैफरन डालूंगी। अगर आप लोग इसे डालना नहीं चाहते तो इसे स्किप कर सकते हो। इसमें 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर का डालेंगे। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक इसमें उबाल आ जाए और ये चीनी इसमें डिसॉल्व हो जाए अच्छी तरह से। इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, आप गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। यहाँ पर इस पैन में 1 टेबल स्पून घी का यूज करेंगे। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट का यूज़ कर रही हूँ, इसमें बादाम का यूज़ करेंगे। जितना भी आप लोग चाहते हो उसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं 15 से 16 बादाम का यूज़ कर रही हूँ। उतना ही काजू का यूज़ करेंगे एंड कुछ किशमिश का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक रेजन्स का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग ग्रीन का भी यूज़ कर सकते हो। इसे 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। इसे निकालेंगे। इसी पैन में 1 कप घी का यूज़ करेंगे। मैं वनस्पति घी का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मली अफगान लोग इसमें देसी घी यूज़ नहीं करते। इसे ऑयल के साथ बनाते हैं, बट हमारी फैमिली में हम लोग वनस्पति घी का इसमें यूज़ करते हैं। अब इसमें 1 कप सूजी का यूज़ करेंगे। आप सूजी को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके लो फ्लेम में इसकी 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हलवे को बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ये हलवा दानेदार बनेगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है और साथ में ये ऑयल भी सेपरेट हो चुका है इससे। इसमें से हल्की सी खुशबू भी आना शुरू हो चुका है। अब इसे स्टेप पर इसमें चटनी डालने जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी हमने तैयार की थी। अब इसे मीडियम फ्लेम में स्टर करते हुए पकाएंगे। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ये अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अब इस स्टेज में इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई की थी ये डालेंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून कर्दमम पाउडर डालूंगी। उसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। लास्ट में इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी डालने से इसमें अच्छी सी शाइन आ जाएगी। अब ये हलवा सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत ईजिली ये बन जाता है, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।